हमारी सरकार नहीं आई थी तो कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। डीलर के पास एक लिस्ट थी, टीएसओ के पास दूसरी लिस्ट थी और एडी के दफ्तर में तीसरी लिस्ट थी। लोगों को कोई पता ही नहीं था कि हम किस श्रेणी में पढ़ते हैं, एपीएल में पढ़ते हैं, बीपीएल में पढ़ते हैं। मैंने जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको फिगर्स दिए कि हमने 22,000 फैमिली को बढ़ा के 92,000 फैमिलीज हमने बीपीएल के जुमरा में लाए हैं। अगर कोई ऐसा आदमी जो जेन्युइन होगा, डीसी जो यहाँ के मुतलका है, वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी हैं और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल अथॉरिटी भी हैं, उनके पास वो एक सिस्टम के तहत अप्लाई करें और जिसकी गलती होगी उसको रेटिफाई करें। हम 250 पे डीलर जो हैं, 250 से ज़्यादा राशन कार्ड किसी के साथ नहीं रहेंगे, हर आदमी के साथ 250 राशन कार्ड रहेंगे। और हमने डीलर्स की कमीशन भी बहुत बढ़ा दी है, जहाँ तक नए लोगों को 10-10 किलोमीटर दूर से राशन लेना पड़ता था, हमने ये निर्णय लिया कि 2 किलोमीटर के अंदर ही नया राशन कार्ड डिपो जो है वो खुलेगा और हम इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो भी खोलेंगे।